हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपनी आईफोन में जो वीडियो शूट की गई है उसको कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं। उसको कुछ बेसिक एडिटिंग टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ जो मैंने शूट की है। तो कुछ ये वाली वीडियो है, इसको मैंने थोड़ा सा कलर ग्रेड कर रखा है। सबसे पहले आपको मैं इसको रिवर्ट करूँगा आपके लिए, सारे के सारे जो मैंने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं वो सारे रिमूव करूँगा और फिर इसको दोबारा से कलर ग्रेड करूँगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट से मैं आपको पूरा एंड तक प्रोसेस दिखाऊँगा। अगर आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा आईफोन में जो कि विदाउट वाटरमार्क हो, कोई भी अपना वाटरमार्क लीव ना करे वीडियो पे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो इस वीडियो में मुझे रिक्वायरमेंट मिल रही है वो है इस वीडियो को स्लो मोशन करने के लिए। तो मुझे ये मैंने जो वीडियो है वो नॉर्मल ही शूट की है। स्लो मोशन मैं इसलिए नहीं शूट की क्योंकि स्लो मोशन में अगर लाइटिंग कंडीशन हमें कम मिलती है तो हमारा जो आईफोन का कैमरा है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने लग पड़ता है, उसकी जो वीडियो है वो इतनी खास नहीं बन पाती। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूँगा, जब आपकी लाइटिंग कंडीशन इतनी बढ़िया ना हो तो आपको नॉर्मल वीडियो कन्वर्ट बनानी है, 1080p बना लें या फिर 4K बना लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 60fps पर बनाएं, 1080 वाली, और फिर आप उसको स्लो कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ काइन मास्टर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं VN वीडियो एडिटर। काइन मास्टर आपको वाटरमार्क दे देगा लेकिन जो VN वीडियो एडिटर है वो आपको वाटरमार्क नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जल्दी से जाकर आप ऐप स्टोर से VN वीडियो एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में। तो चलिए, अभी तक ये हमारा सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग करते हैं, बेसिकली इसकी एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले हमें एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। एडिटिंग के लिए या कलर ग्रेडिंग के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आईफोन में बड़े आराम से कर सकते हैं वीडियो में भी। तो जैसे कि सबसे पहले आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर से ट्यूटोरियल फिर से बताऊंगा। अगर आपको आवाज़ अपनी वीडियो में जो वॉइस है ये ऑडियो है वो चाहिए तो आप इस बटन को येलो रहने दें। यहाँ पर जो साउंड वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपको साउंड नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस या फिर साउंड की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर इस बटन को कट कर देना है, जैसे कि आपकी जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। और अब आपको सिंपली यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, और जैसे कि हमारा जो एक तरह से रिवाज ही चल पड़ा है, जिनके पास है आईफोन तो वो लगाते हैं विविड फ़िल्टर। तो इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि विविड फ़िल्टर कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, उसने कुछ ज़्यादा ही कलर्स जो हैं डार्क कर दिए हैं, इसलिए मैं विविड फ़िल्टर में जाकर आप इस विविड फ़िल्टर की जो इन्हांसमेंट है या फिर कह सकते हैं विविड फ़िल्टर का जो असर है उसको कम कर सकते हैं। कुछ यहाँ तक मुझे सही लग रहा है तो मैं यहाँ तक रखूँगा। ठीक है जी, अब मुझे जाना है ऑटो सेक्शन वाले मोड में। तो मुझे ऑटो पे सबसे पहले क्लिक कर देना है क्योंकि आईफोन का जो ऑटो है वो बड़ा शानदार वर्क करता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसके ऑटो से काम लिया करें। ऑटो पे क्लिक करने के बाद अब आप अपनी कुछ मैनुअल सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में लाइटिंग कंडीशन ठीक ठाक है तो आपको एक्सपोजर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बस जाएं कंट्रास्ट वाले सेक्शन में। कंट्रास्ट वाले सेक्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपकी वीडियो में से जो कलर्स हैं वो थोड़े से गायब से होने लगेंगे। यहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में भी चेक कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कंट्रास्ट को डिक्रीज़ कर दूंगा और इसकी जो वाइब्रेंसी है यहाँ पर सैचुरेशन को ज़्यादा ना छेड़ें। अगर आप सैचुरेशन को ज़्यादा कर देंगे तो ये येलो सी वीडियो हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। सो सैचुरेशन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सैचुरेशन की जगह जो वाइब्रेंसी ऑप्शन है इसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप बहुत सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करें, अगर मैं इस वीडियो में वाइब्रेंसी को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये जो हमारी ग्रीनरी को कम करके येलोइश जो टिंट है, येलोइश जो कलर है पेड़ में भी, या फिर कह सकते हैं ग्रीनरी यहाँ पर शो हो रही है, उसको येलोइश कर रहा है, जो कि वीडियो में काफ़ी सही लगता है। ये इस तरह की वीडियोस जो हैं आईफोन 11 प्रो या फिर 12 प्रो में आम सी बिना किसी एडिटिंग के बन जाती हैं। और अगर आप कुछ शुरू से वीडियो को इस तरह से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कैमरा सेक्शन भी सही बन गया, सन पे फोकस भी आ गया,
यहाँ पर और हमारे सब्जेक्ट पे भी फोकस आ गया। और ये बेसिकली कुछ वीडियो इस तरह की है कि अगर हम इंस्टाग्राम रील बनाएंगे तो यहाँ पर कैसे शूट हो रही है फ़ोटो, और जो फ़ोटो का लास्ट रिजल्ट्स निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, इसके पीछे अगर हम साउंड लगा देंगे तो ये रील या फिर वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं डन पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसे सेव वीडियो एज न्यू क्लिप नहीं करना चाहता, तो मैं सेव वीडियो पर ही क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरी जो प्रिपेयरिंग वीडियो अभी जो है एक्सपोर्ट हो, तो चलो गाइस हमारा जो VN वीडियो एडिटर है वो हो गया है इंस्टॉल, इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पर जल्दी से सारी की सारी परमिशंस अलाउ करके हमें जाना है प्लस बटन पे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और हमने अपनी वीडियो इंपोर्ट करनी है। और यहाँ पर मैं कुछ ट्रांजिशंस लगाने वाला हूँ और कुछ जो है यहाँ पर वीडियो को स्लो वगैरह करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं इसको अपना जो ये वाला सब प्रोसेस है ये कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दी थी, और यहाँ पर वीडियो जो है ये वाली सक्सेसफुली अभी जो फ़ोटो है वो एडिट नहीं हुई है, दैट्स वाई मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट की है, बस जस्ट आपको वीडियोस दिखाने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप कैसे वो जो ट्रांजिशन होते हैं FX वाले, जो शेक एंड ड्रॉप वाले, वो बड़ा सही है आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे बड़ा चल रहा है, तो वो वाला मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला इधर इफेक्ट लगाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पर जो कुछ इफेक्ट है इसको मैं मूव करके थोड़ा सा इधर करना चाहूँगा, और इसके बाद में इस फोटो के चेंज होने के बाद में फिर से ये वाला इफेक्ट लगाना चाहूँगा। तो इस तरह से मुझे ये सारे के सारे इफेक्ट्स लगाने हैं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं सारे के सारे जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको ये VN वीडियो एडिटर डायरेक्टेड बाय VN ये वाला कुछ जो आपको है जैसे क्या बोलते हैं वाटरमार्क वो दिखाई देगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर आपको जो भी आपके वो जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बड़े आसान है, बस आपको एक बार सिंपली टैप करना है और आपका जो इफ़ेक्ट है वो लग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पर जितने भी आप इफ़ेक्ट्स लगाना चाहें आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे सारे के सारे इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो मैं इसे करूँगा एक्सपोर्ट। अगर आपको वीडियो स्लो मोशन वगैरह करनी है तो आपको यहाँ पर जाना है स्पीड में, और यहाँ पर आपको जो वीडियो की स्पीड है वो स्लो या तेज़ आप कर सकते हैं। अगर आप इसको, ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बार्स दिए गए हैं, अगर आप इन बार्स को स्लो, इधर से ये वाला पॉइंट जो है इधर आपको बहुत नीचे कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी इधर से। कुछ इस तरह से वो आप स्लो या तेज़ वाली वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर आप कहीं किसी और जगह से स्लो करना चाहें तो आप इस वीडियो में और सारे की फ्रेम डाल के इसको स्लो कर सकते हैं। तो मैं इसे कर रहा हूँ एक्सपोर्ट, और जल्दी से एक्सपोर्ट करने के बाद में सिंपली ये बड़ी जल्दी एक्सपोर्ट होने वाली है, क्योंकि ये जो एडिटर है काफ़ी स्मूथ है, इसका जो इंटरफेस है बहुत आसान है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें वीडियो एडिटिंग करने के लिए। मैं इसे ऑलमोस्ट, अगर जो भी मैंने वीडियो फ़ोन में एडिट करनी होती है तो इसके अलावा काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो ये जो टूल है वो काफ़ी सही है। और वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद में आपको ये हो गई है एक्सपोर्ट, और आप फोटोज़ ऐप में ही देख सकते हैं जो वीडियो है कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो यहाँ पर गाइज अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैंने ये जो इस वीडियो में कलर्स कैसे चेंज करें हैं, तो इसके लिए भी ये जो है एक एप्लीकेशन है, अगर आप उस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल सा दे दूंगा कि आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में जो सारा का सारा जो मौसम है या फिर कह सकते हैं ये सारा का सारा जो क्लाइमेट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो की कलर ग्रेडिंग है वो काफ़ी जो टिप्स हैं काफ़ी सही लगे होंगे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी है तो आप अपने फ़ोटोज़ ऐप में सिंपल अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को कलर ग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फोटोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर अपलोड होने के लिए रेडी हैं। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब प्लीज़।